जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अपना जो मक्का का खेत है उसमें दवा डालने हम लोग आ गए हैं। और दवा जो है, देखो, घास के लिए दवा डालने आए हैं। और इस बार देखो, ये वाला जो दवा है, देख रहे हो ना, इसे हम लोग डाल रहे हैं। और इसका घोल हम लोगों ने तैयार, ये 15 लीटर पानी में ये वाला दो डब्बा, ये कौन सा है, लॉडस का ये दो डब्बा। और उसके बाद इसका एक पाउडर फॉर्म है ना, हाँ ये वाला देखो, ये पाउच है ना, ये फोस्ट का, ये चार पैकेट ये दो डब्बा, ये वाला और एक छोटा वाला डब्बा किधर गया, और ये वाला छोटा वाला डब्बा भी दो डब्बा। तो ये हमने यूज किया 15 लीटर में, दो डब्बा इसको, दो डब्बा इसे और चार पैकेट ये वाला। और उसमें हम लोगों ने बनाया है 15 लीटर घोल। और इस वाले जार में लेता है 20 लीटर पानी, तो हम लोग 19 लीटर पानी और 1 लीटर ये दवा का घोल मिला के इसको हम लोग पूरा अपना मक्का में जो है स्प्रे कर रहे हैं। और यहाँ का जो अपना मक्का है, लगभग टोटल एकदम आगे भी है, नीचे भी एकदम आगे तक है, और इस साइड ऊपर में भी खेत है, इधर भी है। टोटल अपना 4 एकड़ में है ना सुधीर, कितना में है? लगभग 4 एकड़ में मक्का है। और हम लोगों ने अभी तक मतलब कुछ स्प्रे कर लिया है, कुछ बाकी है। और स्प्रे करना भाई बहुत टफ काम है, कंधा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अभी तक टोटल हम लोगों ने 15 डब्बा स्प्रे किया, 17 डब्बा लगभग टोटल स्प्रे हो चुका अभी तक। और अभी हुआ है जाके हम लोगों का आधा करीब, और अभी आधा और बचा है। और देखो पानी का जुगाड़ कैसे करते हैं, यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, तो ये जो तालाब है ना, पापा ऐसे भार में पानी ले के आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस दोनों जार में डालते हैं। दवा छींटना हम लोग दोनों का काम है, पापा दवा बना के देते हैं, हम लोग दवा छींटते हैं। तो भाई अब चलो, फिर से दोनों डब्बा में लोड हो गया दवा, अब चलते हैं छींटने। स्टार्ट करके देख लेने पहले, यहाँ अपने घर का स्टार्ट कर ले, अगर आप घर छींटते हैं ये दवा इधर से। एक डब्बा और अचारे की जरूरत थोड़ी है, वो है अपना मेन दवा जो बनाया गया है, 15 लीटर बनाए हैं एक बार। और ये जो दवा बना है वो 20 लीटर में 1 लीटर दवा इसको डालते हैं हम लोग। पहले हम लोग अपना जो ये जो केन है उसमें 1 लीटर जो है अपना दवा डाल रहे हैं, अब उसके बाद जो है इसमें फिर लगभग 19 लीटर पानी डाला जाएगा इसमें। जो दवा का जो कैन है वो अपने पीठ पे मैंने लोड कर लिया है, और अब मैं चल रहा हूँ मक्के में स्प्रे करने, आगे से है जगह। और उसमें ये वाला पूरा हो गया तोर? अच्छा आ ले कहले ही, और पिछले बार टोटल हम लोगों ने
3 से 4 एकड़ का मक्के का खेती किया था, जिसमें लगभग 220 लीटर का स्प्रे हुआ था। इस बार तो और ज़्यादा हुआ है, तो अभी चल रहे हैं स्प्रे करने। देखो बाइक के अपना जो पीठ पे है लोड कर लिया है, और सामने में अभी मैंने एक मार्क बना के गया था, उस मार्क से आगे मुझे छिड़काव करना है। मतलब घास को ना मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया था, इधर उधर कर दिया था। हाँ देखो ये इस जगह तक मैंने छिड़काव किया था, इस जगह को घास को मैं तहस नहस कर दिया था। अब अपना जो है थोड़ा मोटर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो गया है अपना, और अब जो है छिड़काव स्टार्ट हो गया है। पता है छिड़काव करने टाइम खास ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है कि हमने पिछली दफ़ा जो दवाई छिड़काव किया था वो किधर है। यदि बीच में छूट गया तो फिर वो घास जो है मक्के का वो मरेगा नहीं, मतलब फिर वो घास रह जाएगा। तो इस बात का ना खास ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो भीड़ पे है ना, मतलब जो भीड़ पे जो घास है उस पर भी दवा छिड़कते हैं हम लोग, क्योंकि भीड़ में रहेगा तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। मौसम खराब ना करता, ऊपर खाली बादल है थोड़ा। दवा डालने समय बस खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कहाँ तक दवा डाला है और कहाँ तक दवा नहीं डाला है, क्योंकि यदि बीच में कहीं छूट गया तो फिर वो घास मरेगा नहीं। तो ये थोड़ा खास ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें। भाई अपना जो 2 से 3 खेत है ना, उसमें तो बिल्कुल मक्का ही नहीं है, सिर्फ घास है। सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही सिर्फ घास, मक्का जहाँ तहाँ है। अब क्या करूँ, इसमें दवा डालूँ ना डालूँ, कंफ्यूज हूँ यार। ऐसे भी मक्का होना नहीं है, सिर्फ घास। मक्का का हालत देखो क्या हो गया, इसमें तो मक्का कहीं दिख रहा है बहुत नाम मात्र का, और इस वाले खेत में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो जहाँ तहाँ दिख रहा है। अब अपना जो है ना दिमाग हैंग हो रहा है, एक तो 3 बज गया, भूख भी लग गया बहुत ज़ोर से, और ये खेत का ये हालत देख के ना अपना तो मन नहीं छोटा हो गया, उदास हो गया। चलो अभी पापा को भेजते हैं यहाँ देखने के लिए क्या करना चाहिए। अब पापा ही डिस्कस करके बताएंगे कि क्या होगा, दवा डालना है इसमें या नहीं डालना है। भाई समय हो गया लगभग 4, और अभी जाके पूरा जो है वो दवा स्प्रे किएगा हो गया, और अब हम लोग सब देखो, और अभी यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं घर को। चल हो, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोग अभी निकल चुके हैं घर को, और अपना जो दवा था पूरा लगभग 300 लीटर स्प्रे किए हम लोगों ने, और अब एनर्जी बिल्कुल भी एकदम लो, मतलब ताकत नहीं बचा अब शरीर में। तो भाई जल्दी जल्दी चलो घर के घर को, जल्दी से नहा के फ्रेश होके कुछ खाए पिया जाएगा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।